दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कंफ्यूजन्स के लिए, कभी कभी कोई कुछ पूछता है और कोई जवाब देता है तो यहाँ कंफ्यूजन से एक ड्रिफ्ट पैदा हो जाती है। अगर कम्युनिकेशन सही नहीं हो तो ड्रिफ्ट पैदा हो सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी स्कूल में एक ऑडिटर गया और उसने क्लास में जाकर के टीचर से पूछा कि मैं आपके बच्चों से जानना चाहता हूँ कि आप कैसा पढ़ाते हैं, किसी एक बच्चे को भेजिए, मैं देखना चाहता हूँ कि कितना पढ़ा लिखा है, आपने कितना पढ़ाया है बच्चे को। टीचर ने जाकर के सबसे मिलिटरी स्टूडेंट को पकड़ा और कहा चल एक कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, सर आए हैं उनके क्वेश्चन के आपको जवाब देने हैं। बच्चा आ गया। अब ऑडिटर ने उस बच्चे से पूछा, देख बच्चे मैंने एक सेफ दिए तेरे को, एक सेफ दिए और एक सेफ दिए, तेरे पास कितने सेफ है? बच्चे ने कहा चार। ऑडिटर ने कहा तूने सवाल ठीक से सुना नहीं, देख क्या होता है, एक सेफ दिए, एक सेफ दिए और एक सेफ दिए, बोल कितने सेफ है तेरे पास? बच्चा बोला चार। टीचर हैरान कि क्या सिखाया, इतना तो इसको आता ही होगा। टीचर गई पास में, बोले देख बेटा एक सेफ दिया, एक सेफ दिया और एक सेफ दिया, तेरे पास कितने सेफ है? बच्चा फिर बोला चार। टीचर को समझ नहीं आया गड़बड़ किधर हो रहा है। बच्चा अच्छा लगता, फिर टीचर ने टॉपिक चेंज किया, कहा एक अमरुद दिए, एक अमरुद दिए और एक अमरुद दिए, कितने अमरुद है? बच्चा बोला तीन। टीचर परेशान, अमरुद तीन और सेब चार, गड़बड़ किधर, कहीं गड़बड़ तो कुछ है। अब टीचर परेशान एकदम। अब टीचर ने बोला तू पागल है या मेरे को बना रहा है, तू पागल है या मेरे को बना रहा है, बता सेब चार कैसे हो गए और अमरुद तीन कैसे है, एक बार ठीक से सुन, एक सेब दिया और एक सेब दिया और एक सेब दिया, कितने है? बच्चा बोला चार। टीचर परेशान, टीचर इरिटेट हो गया, बोला पागल आदमी तू पागल है मेरे को बना रहे, चार अपन कैसे हुआ बता मेरे को। तो बच्चों को एक सेव जो है मेरे बैग में पहले से पड़ा। कभी कभी ऐसा होता है सर कि पूछने वाला भी गलत नहीं होता, जवाब देने वाला भी गलत नहीं होता, बस यही कि बात समझ नहीं आती।